हेलो एवरी वन वेलकम टू सिपिका सोशल साइंस क्लासेज सो डियर स्टूडेंट इन दिस लेक्चर विल डिस्कस अबाउट शुगर इंडस्ट्री विच इज़ द पार्ट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कॉटन टेक्सटाइल के बारे में जूट इंडस्ट्री के बारे में और ये हम पढ़ेंगे आज शुगर इंडस्ट्री के बारे में शुगर इंडस्ट्री मीन्स विच यूज शुगर केन एज अ रॉ मटीरियल जिसमें रॉ मटीरियल हम किसको यूज करते हैं शुगर केन को यूज करते हैं एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर शुगर के बेसिस पर इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड़ एंड खांडेसरी और गुंड खा, और गुड़ और खांडेसरी भी कहाँ से मिलता है हमें शुगर केन से मिलता है गुड़ तो आप सबने खाया ही होगा और देखा भी होगा और खांडेसरी जिसको हम बोलते हैं देसी खांड तो ये सब भी कहाँ से मिलता है शुगर केन से मिलता है अब शुगर केन अब हम देखते हैं आगे शुगर केन जो होता है वो बल्कि रॉ मटेरियल है मीन्स ये नहीं है कि अगर हम थोड़ा सा शुगर केन लेके गए और उससे हम शुगर केन से हम शुगर प्रोड्यूस करेंगे शुगर केन को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे अमाउंट में जो रॉ मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है उसके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए और ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखते हैं द बल्कि रॉ मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड द प्रोसेस ऑफ हॉलेज हॉलेज मीन्स वो प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को यह हम हॉलेज प्रोसेस बोलते हैं और ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ पर शुगर बननी होती है जहाँ पर शुगर का प्रोडक्शन होता है तो जैसे बल्कि रॉ मटेरियल को उस एरिया तक ले जाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि रॉ मेटीरियल बहुत ज़्यादा है और इजिली पहुँचाया नहीं जा सकता अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम गुड नहीं है तो जैसे जब हम इसके हार्वेस्टिंग करते हैं और जब इसके प्रोडक्शन के लिए इसको इंडस्ट्रीज में ले जाया जाता है तो इसका जो सुक्रोस कंटेंट है वो क्या हो जाता है घट जाता है क्योंकि टाइम लगता है ना कि अगर हमने शुगर केन की हार्वेस्टिंग की उसको कट किया और उसको हमने क्या ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया ताकि इसकी प्रोडक्शन हो सके तो जितना टाइम लगता है उससे उसके सुक्रोस कंटेंट पर क्या पड़ता है इफेक्ट पड़ता है अब सुक्रेस कंटेंट क्या होता है कंटेंट इन शुगर केन विच मेंटेन स्वीटनेस इन शुगर केन अब वो वाला कंटेंट जिसकी वजह से शुगर केन में मॉइस्चर रहता है उसमें स्वीटनेस बनी रहती है उस कंटेंट को क्या बोलते हैं सुरक्रोस कंटेंट बोलते हैं अब आप देखा होगा स्टूडेंट जैसे अगर हम शुगर केन को अपने घर पे लेके आए और उस शुगर केन को अगर हम 10 दिन अपने घर पे रखते हैं स्पोजिंगली तो उस वो क्या हो जाता है सूख जाता है उसका मॉइस्चर क्या हो जाता है कम हो जाता है अगर मॉइस्चर कम हो गया तो आप देख लो लिक्विड जो हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अगर लिक्विड एक्सट्रैक्शन की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो उसकी वजह से शुगर का जो प्रोडक्शन होगा उस पर क्या पड़ेगा इफेक्ट पड़ेगा तो बल्कि अब एक ध्यान से सुनिए बल्कि रॉ मटीरियल है ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के कारण लेट हो जाता है डिले हो जाता है जिसकी वजह से उसका सुक्रोर्स कंटेंट है उसकी जो स्वीटनेस है शुगर केन की वो कम हो जाती है तो हमें इंडस्ट्रीज को कहां पर एस्टेब्लिश करना चाहिए हमें इंडस्ट्रीज़ को वहां पर एस्टेब्लिश करना चाहिए जहां पर शुगर केन प्रोड्यूस होता है ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम लगता है जिसकी वजह से स्वीटनेस वाला जो स्वीट कंटेंट है स्वीटनेस का जो कंटेंट है वो कम हो जाता है वो ना हो और जो शुगर का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो तो इंडस्ट्री शुड बी सिचुएटेड नियर शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ वहां पर एस्टेब्लिश होनी चाहिए जहां पर शुगर केन को उगाया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा टाइम ना लगे फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर केन मेनली उत्तर प्रदेश और बिहार में उग रहा है तो 60 परसेंट जो मिल्स हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार में स्टैब्लिश की गई हैं अब जो ये हमारी शुगर केन इंडस्ट्री है ये सीजनल इन नेचर है और कॉपरेटिव सेक्टर को सूट करती है अब कॉपरेटिव सेक्टर कौन सा सेक्टर था किस बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन हुआ था कॉपरेटिव सेक्टर का वो आप बताएंगे मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कि ये जो कॉपरेटिव सेक्टर है उसका क्लासिफिकेशन किसके अंडर आता है तो ये जो हमारी क्रॉप है ये सीजनल इन नेचर है एंड आइडली सुटेड टू कॉपरेटिव सेक्टर कॉपरेटिव सेक्टर में क्या होता है कि जो जितने भी फार्मर्स होते हैं वो एंटायर ईयर बिजी रहते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन वेन द क्रॉप इज हार्वेस्टेड द फार्मर्स पूल टूगेदर देयर रिसोर्सेज जब सारी की सारी क्रॉप उग जाती है तो सारे फार्मर्स अपने प्रोडक्शन को इकट्ठा कर देते हैं मील्स को एस्टेब्लिश करते हैं सब मिलकर मिल को एस्टेब्लिश करते हैं और वहां पर शुगर का प्रोडक्शन होता है अब वहां पर ये कॉपरेटिव सेक्टर इसलिए की गई है क्योंकि इसमें एक पर्सन अपना मनी इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये जो क्रॉप है वो सीजनल इन नेचर है सीजनल नेचर मीन्स चार से पांच महीने काम रहता है चार से सात महीने काम रहता है उसके बाद वर्कर्स के पास कोई भी काम नहीं होता क्योंकि इसका जो ये सीजनल नेचर की होती है थोड़े हाफ ईयर इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस चलता है तो इसलिए कॉपरेटिव सेक्टर ही अप्लीकेबल रहेगा इसके लिए जिसमें सारे फार्मर्स अपना प्रोडक्शन एक जगह पर इकट्ठा करेंगे और वहाँ पर शुगर का प्रोडक्शन होगा और उसके बाद फार्मर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस वो अपने शेयर के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट होगा और लॉसेस होगा उसको डिवाइड कर लेते हैं अब नाउ शुगर इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग फ्रॉम नो टू तो सर्दन एंड वेस्टर्न स्टेट वाई वट इज़ द रीजन वाई इज द इंडस्ट्रीज शिफ्टिंग फ्रॉम दर्न एंड वेस्टर्न स्टेट क्यों 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 शिफ्ट हो रही है हेयर आज द रीजन नंबर वन क्लाइमेट हायर से क्रॉस और लॉन्ग क्रशिंग पीरियड इन सर्दर्न एंड वेस्टर्न स्टेट अब क्लाइमेटिक कंडीशन मीन्स जो शुगर केन है दैट इज अ ट्रॉपिकल प्लांट और जो पेनिस्लर इंडिया है मीन्स सर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट पर है वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी रहती है ट्रॉपिकल जिसकी वजह से वहां पर जो पर यूनिट प्रोडक्शन होता है वो नॉर्थ इंडिया की बजाय सर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा होता है तो फर्स्ट रीज़न आ जाएगा हमारा क्लाइमेट एंड सेकेंड रीज़न इज़ हायर सुक्रोज ड्यू टू तो फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन कि वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो फेवरेबल है जिसकी वजह से सुक्रॉज कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है साउथ में और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो शुगर केन है वो ड्राई नहीं होते हैं उसमें मॉइस्चर बना रहता है क्योंकि अगर शुगर केन में मॉइस्चर बना रहेगा तो उसमें से लिक्विड ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होगा और लिक्विड ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होगा तो शुगर की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी तो सर्दर्न और वेस्टर्न एरियाज का जो क्लाइमेट है वो किसके लिए फेवरेबल है शुगर केन के लिए एंड लॉन्ग क्रशिंग पीरियड द क्रशिंग सीजन इज ऑल्सो मच लॉन्गर इन द साउथ देन इन द नॉर्थ जो क्रशिंग सीजन है वो भी साउथ में ज्यादा होता है ट इज अबाउट सेवन टू एट मंथ इन साउथ बट नॉर्थ में कितने मंथ रहता है फोर मंथ्स के लिए रहता है तो इसलिए जो इंडस्ट्रीज हैं वो नर्दन की बजाय कहां की तरफ शिफ्ट हो रही हैं सर्दन और वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ आई होप आपको रीजन क्लियर हो गए होंगे ये आपका थ्री मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट्स द शुगर इंडस्ट्री इज नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ मैंशन थ्री रीजन फॉर दिस तो आपका ये थ्री मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसके क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से शुगर का प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता तो हेयर आर सम रीजंस नंबर वन लो यील्ड ऑफ शुगर केन ऑल दो द इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन की हमारे इंडिया में जो शुगर केन के लिए जो कल्टिवेटेड एरिया है वो बहुत ज्यादा है पर हम किसके अकॉर्डिंग जज करते हैं द यील्ड पर यटेयर जो हमारे इंडिया में बाकी कंट्रीज के बजाय बहुत कम है इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर लो यील्ड ऑफ शुगर केन मीन्स पर हेक्टेयर जो यील्ड होती है वो बाकी कंट्रीज के कम्पेरेटिवली कम होती है सेकेंड रीजन है हमारा शॉर्ट क्रशिंग सीजन कि हमारे यहाँ पर जो क्रशिंग सीजन है शुगर केन का वो कितने मंथ्स तक रहता है फोर टू सेवन मंथ्स तक रहता है क्योंकि जो शुगर केन है वो एक सीजनल क्रॉप है सीजनली उगती है और फोर टू सेवन मंथ्स तक ही इसका क्रशिंग सीजन चलता है और द मेल वर्कर्स जो होते हैं वो बाकी के टाइम क्या रहते हैं खाली रहते हैं तो इसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस बियर करने पड़ती हैं शुगर इंडस्ट्रीज को एंड थर्ड पॉइंट है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द शुगर का जो प्रोडक्शन शुगर किन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि मशीनरी जो है जो टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी इतनी एफिशिएंट नहीं है जो जो शुगर किन की प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम कर सके तो थर्ड चैलेंज है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब फोर्थ चैलेंज है, है हमारा ओल्ड मशीनरी मोस्ट ऑफ द मशीनरी यूज इन इंडियन शुगर मिल्स आर वेरी ओल्ड एंड ऑब्सुलेट वो बहुत ज़्यादा पुरानी है नई नई टेक्नोलॉजी की या मॉडर्नाइज नहीं हुई है अभी तक तो हमारे इंडिया में 50 से 60 ईयर्स तक मशीन को चेंज नहीं किया गया अभी तक जिसकी वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है तो फोर्थ हमारा जो ड्रॉबैक है वो है ओल्ड मशीनरी तो स्टूडेंट्स ये था आपका शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में जहाँ हमने पढ़ा शुगर इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ सिचुएटेड है और शुगर इंडस्ट्रीज को शिफ्ट किया जा रहा है नॉर्थ से सर्दर्न और वेस्टर्न एरियाज में और उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं और ये हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की लास्ट इंडस्ट्री थी और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज थैंक यू